नमस्कार दोस्तों, लड़का एवं लड़की का मैटर था। दोस्तों मैंने पहुंच गया वहां पे थोड़ा सा देखने के लिए। उससे पहले मैं आता हूं दोस्तों, तो मैंने वहां पे बात किया था उसके पास, जो करीबी दोस्त होता है, आरी पड़ोसी अगल बगल की, कभी कभी कोई अपने गांव या पारा टोली मोहल्ला में इतना करीबी हो जाते हैं ना दोस्त, कि उनके पास इतना हर कुछ अपना अंदर के बात बताना पड़ता है। उस टाइप में मैंने दोस्तों वो उसने बताया दोस्त ने मेरा दोस्त ने बताया कि इतना करीबी अपने घर की स्थिति को, वो चीज के बारे में मैंने कैलकुलेशन अपने आप में किया। इसके बाद मैंने उसको राय भी दिया, और दोस्तों राय मेरे राय को छोड़ के वो अलग रास्ता में चल गया मुझे ही फंसाने के लिए। और दोस्तों उसके कारण मैं बताता हूँ शुरू से। दोस्तों वो लड़का लड़की का मैटर था, मैं पहले ही बताया था दोस्तों। अब जैसे भी रहा उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैं सुन भी नहीं आ पाया उतना, और मैं सुनने के लिए गया था लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया कि आप यहाँ पे मत रहिए, ऐसे आप सोशल मीडिया एक्टिव हैं इसलिए आप यहाँ पे मत रहिए। मुझे जलील भी किया गया वहां पे। तो मैंने वहां से आया और थोड़ा सा मैं अपने तरफ से वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी और के माध्यम से मेरे पास अभी वीडियो आया। ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा, अभी लाइन में थोड़ा सा क्लिक पैड भी लगा देता हूँ। मतलब पंचायत हो रहा था यहाँ पे, पंचायत होने के बाद, होने से पहले मैं था और होने तक मैं था, मतलब हुआ नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट बात चल ही रहा था, तभी मुझे बोल दिया कि आप लोग यहाँ सड़ जाइए। और जलील किया गया मुझे कोई प्रकार से, किसी भी प्रकार से कह तो बात बोला गया कि आप सोशल मीडिया हैं, आप ये है वो है, कई प्रकार से बोला गया। तो मैंने अपने हिसाब से अपने आप को मैं माफ़ी मांगा और मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन मैं वीडियो अपना लेते गया। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाते जाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोला, न उससे पहले भी कुछ नहीं बोला था और नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों अभी मैं सोशल मीडिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा जलील किया गया वहाँ पे था। तो दोस्तों ये बात था लड़का एवं लड़की का। दोस्तों ये यहाँ पे भयो भसुर वाला बात था। अब जैसे भी बात था, देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये ग्राम पंचायत लोधी का बात है। ये पति का नाम है रामकबाल, पति का नाम है रामकबाल, पत्नी का नाम मुझे पता नहीं है। इसके पत्नी और देव ब्रिज को, देव ब्रिज अगरिया, उसके साथ जैसे भी बात किए रहे होंगे इसके बारे में, मतलब ये थोड़ा लड़का लड़की वाला संबंध था, इसके बारे में सुनने के लिए आया था दोस्तों। मुझे मैं वहीं पे था लेकिन मेरे पास पकड़ने के लिए माइक कैमरा कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और थोड़ा सा मैं सुन रहा हूँ, और देखा तो मुझे बेकार लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को सुना भी देता हूँ, और मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा क्लिक पैड दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा था कि वहाँ पे मुझे तो जलील किया गया, लेकिन मुझे जलील करने से उनको मिलेगा क्या? दोस्तों मैं न किसी के खिलाफ था, न लड़का के पक्ष में था, न लड़की के पक्ष में था, मैं सिर्फ जाके वहाँ पे बैठा था और मैं कुछ बोला वहाँ पे, न लड़की के पक्ष से कुछ नहीं बोला, न लड़का के पक्ष में कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ वहाँ पे जाके बैठ के सुन रहा था। दोस्तों पड़ोसी है और वो अपना दोस्त है, उसने दोस्त ने मुझे शाम को अपने बारे में पूरा मुझे निर्णय बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे हो रहा है, और उस लड़के के पास भी कॉन्फ्रेंस में बात किया, जो नाम मैं बता रहा हूँ देवब्रिज उसने और रामकबाल ने कॉन्फ्रेंस में मेरे पास बात किया। मैं दोनों के पास कुछ नहीं बोला, मैं बोला कि मैटर सुलझा दो, बेइज्जती होगा, लेकिन दोस्तों बेइज्जती होने के बावजूद समझेंगे क्या है, भलाई दोस्त अपना है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों बात को नहीं समझे, उल्टा मुझे कुछ अलग से वो फीलिंग हुआ, तो मैं कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से हुआ था, लेकिन मेरे पास आया देवब्रिज, बोला कि दोस्त देखिए ऐसे ऐसे बात है, पंचायत बैठाने वाला है, मतलब रात में बात होने के बाद सवेरे हुआ है कि बात ऐसे ऐसे कि पंचायत बैठाने वाले बात है। तो मैं दोस्त को बोला कि मैं थोड़ा सा घर में नहीं हूँ, अभी घर में हूँ लेकिन अभी जा रहा हूँ मैं दूसरे जगह, मैं आऊँगा तो देखूंगा, अच्छा बात वत करूँगा इसे उनके पास। तो जो रामकबाल बोल रहा हूँ वो मेरे पास बात किया और शाम को भी बोला था कि बात ऐसा कुछ नहीं होगा, बात को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, बेइज्जती होगा। मैंने उसको भी बताया अपना परिवार है, घर का स्थिति है, बात को क्लोज कर दो, लेकिन बात को क्लोज करने के बजाय
राम अकबाल, राम अकबाल बात उल्टा और बढ़ा रहा है, बात को दबाने के बजाय और उल्टा से और पंचायत बनवा रहा है, बुलवा रहा है, अपने ससुराल से बोला, अपने गांव से बोला, आरी पड़ोसी से, इधर गांव से नहीं लेकिन अपने आरी पड़ोसी, अपने जात खानदान से सबको बुलवा रहा है। तो दोस्तों दोस्तों इसमें आप लोग समझ लीजिए कि बात आगे बढ़ेगा कि नहीं। अपने आरी पड़ोसी गांव से अदर गांव, मतलब ससुराल गांव में गया मतलब अदर गांव में गया। दोस्तों अगर अदर गांव में गया तो बात बढ़ेगा या नहीं? दोस्तों मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मेरे ऊपर देखिए अभी कैठो कानून लगवाएंगे, कैठो क्या करवाएंगे, इसी लोग कैठो बोलेंगे तू ये किए तो वो किए तो वीडियो बनाए तो क्या किए, कैसे शेयर किए, वहां फिर क्यों गए, जब जाति जाति की बात है तो क्यों गए। लेकिन दोस्तों आप लोग समझिए, अगर पड़ोसी में होगा, खास दोस्त होगा तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, अब पड़ोसी है तो उसके पास नहीं जाएंगे, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन बात रहा, मैं अपने दोस्ती की खातिर गया था, मैं सोचा बात किधर से बन जाए, मतलब ज्यादा भगदड़ ना। लेकिन मुझे मेरे दोस्त रामक बाल के परिवार खुद ने बोला कि आप तो ऐसे वीडियो के माध्यम से बोले थे कि वीडियो बनवाया के वायरल करेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, मेरे मेरे बारे में कैठ वहां पंचायत में बोलने लगा। दोस्तों आप लोग सुनिए और आप लोग सोचिए कैसा लगेगा। मैं बात को शुरू से क्लोज करने के चक्कर में था कि बेइज्जती ना हो, बवाल ना हो, आप लोग समझ सकते हैं कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा कि मैं अपना दोस्त समझ के उसको राय भी दिया। शाम को जो मेरे पास, जब मेरे पास फोन लगाया उस समय मैं उसको राय भी दिया कि बात को क्लोज करो, घर घर का बात है, और वो भी नहीं दूसरा घर का भाई नहीं, अपना भाई है वो, मैं रामक बाल देवब्रज बोल रहा हूँ, वो अपना भाई है, दूसरे जन का भाई नहीं था, अपना भाई है। ये चीज को बोला कि घर घर का बात है, इसको क्लोज कीजिए। वही मेरे पास वही फोन लगाया था रात में जब मैं सो रहा था, तब मेरे पास राय लेने के लिए, फिर मेरे पास दिन में मैं जब बोला कि ऐसा मत कीजिए नहीं तो वीडियो मैं बनाता हूँ, वीडियो वायरल कर दूंगा, जबकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, वहां पे जाके सिर्फ बैठा था। लेकिन अभी मेरे पास पंचायत होते समय मेरे पास क्लू आ गया वीडियो का, तो मैं वीडियो को थोड़ा दिखा रहा हूँ, लाउड स्पीकर ऑन नहीं था वहां पे, अब जो जो भी बनाया होगा उसके नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं उसके पास वो बोलेंगे कैसे वीडियो बना दिए, उसके पास कैसे सेंड कर दिए, अभी मेरे पास कैसे दुश्मनी लेने लगेंगे वो। दोस्तों मैं उसके पास मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बस वीडियो रिकॉर्डिंग है थोड़ा सा, जैसे भी किया रहा होगा, लेकिन मैं देखा तो मैं एडिट कर दिया यहाँ पे। दोस्तों मैं अपने हिस्से से बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे ही खास लास्ट में मुझे ही जब पंचायत में गया तो मुझे ही जलील करने किया गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं, मुझे ही खुद जलील किया गया, आप वीडियो बनाने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों मैं धमकी नहीं दिया था, मैं अपने दोस्त के रिश्ते से उसको मैं बोला था कि आप लोग पंचायत मत कीजिए बेइज्जती होगा, आप लोग पंचायत मत कीजिए बेइज्जती होगा, घर का हो या पड़ोसी का हो किसी का, वो बेइज्जती बेइज्जती होता है, एक जन के मुंह पे गया दूसरा के मुंह पे जाना जरूरी है, वो किसी भी प्रकार से चला जाता है, आप लोगों को सब पता होगा, एक जन के मुंह से गया, दूसरे जन के मुंह से गया, तीसरे जन के मुंह से गया, फिर पूरा गाँव में चल जाता है, बोल देंगे, और वो भी भयो भसुर थे, भयो भसुर वाला बात था। दोस्तों बात को समझिएगा, मैं तो थोड़ा अभी थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा माइक जो है ना थोड़ा अटक के कभी कभी मोटा आवाज देता है, अभी भी दे रहा होगा, और जो मैं अभी वायर वाला माइक लगा के बात करता हूँ तो उसमें मोटा आवाज नहीं देता, उसमें क्लियर आवाज देता है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों। लेकिन मुझे बहुत जलील किया गया वहां पे, मैं पंचायत में गया तो मैं सुनने के लिए गया था, लेकिन मुझे जलील किया गया, मैं इतना भी बोल दिया था कि मैं दोस्त को बोला था कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं उसको बोला था कि वहां पे जाऊंगा, आप लोग पंचायत मत कीजिए, लेकिन मैं वीडियो नहीं वहां पे बना रहा था, वीडियो ना तो बनाता मैं वीडियो वायरल किया, लेकिन ये वाला वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब में, फेसबुक में और कुछ में डालूंगा, वैसे मुझे जलील किया गया इसकी वजह से, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता। दोस्तों मैं जब जलील किया गया तब मैं वीडियो भी बनाया और आते समय भी बनाया, आप लोग देख लीजिएगा, वह वीडियो में मैं दिखा भी दिया हूँ क्लिकबैक में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कैसा रहा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, धन्यवाद।